हेलो एंड वेलकम टू दिस लेक्चर। आज के इस लेक्चर से हम स्टार्ट करेंगे सिस्टम कॉल्स के बारे में। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर व्हाट इज एग्जैक्टली सिस्टम कॉल्स। ठीक है, तो आज के इस टॉपिक के अंदर हम डिटेल के अंदर बात करेंगे। चलिए, तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर आज के टॉपिक्स देख लेते हैं। थ्रू आउट अवर लेक्चर आज हम देखेंगे अलग अलग टाइप्स के ऑपरेटिंग सिस्टम के मोड्स, देन आफ्टर व्हाट इज एग्जैक्टली सिस्टम कॉल्स, सिस्टम प्रोग्राम्स क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम का सर्विस स्ट्रक्चर, एंड देन आफ्टर ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ जनरेशंस। ठीक है, तो ये हमारा आज का एजेंडा रहेगा। आज के इस लेक्चर के अंदर हम कुछ इतने टाइप्स के टॉपिक देखेंगे। चलिए, तो सबसे पहले हम बात करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के मोड्स के बारे में। तो यहाँ पर टोटल हमारे पास दो मोड्स अवेलेबल है। एक है हमारे पास यूजर मोड, जबकि दूसरा है हमारे पास कर्नल मोड। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर हमने पहले भी प्रीवियस सेशन के अंदर डिस्कस किया था कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो लेयर होता है, ठीक है, उसके थ्रू डायरेक्टली आप कर्नल लेवल को एक्सेस नहीं कर सकते। हमने ये भी डिस्कस किया था कि हमारे पास मेजॉरिटी टू टाइप्स के यूजर्स अवेलेबल होते हैं, एक नॉर्मल यूजर्स, ऑर्डिनरी यूजर्स, राइट, और दूसरे होते हैं सिस्टम प्रोग्रामर्स। तो सिस्टम प्रोग्रामर्स के पास ही अल्टीमेटली ऐसा वे होता है कि वो डायरेक्टली कर्नल को एक्सेस कर सके। ठीक है, तो यहाँ पर यूजर मोड के बेसिस पर आप डायरेक्टली कर्नल मोड को एक्सेस कर सकते हो। तो यहाँ पर देखेंगे एग्जैक्टली यूजर मोड है क्या, उसके अंदर क्या क्या चीज़ आती है, एंड देन आफ्टर कर्नल मोड एग्जैक्टली है क्या, वो क्लियर। चलिए, तो यहाँ पर सबसे पहले हमें दोनों का डिफरेंस देखना है। कर्नल मोड के अंदर देखिए क्या, व्हेन सीपीयू इज इन कर्नल मोड द कोड बीइंग एग्जीक्यूटेड कैन एक्सेस एनी मेमोरी एड्रेस एंड एनी हार्डवेयर रिसोर्स। ऑब्वियसली कर्नल ही एक ऐसा वे है जो कि डायरेक्टली सीपीयू के अंदर मौजूद सभी मेमोरी एड्रेस और हार्डवेयर रिसोर्सेज को एक्सेस कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर वही चीज़ बोली गई है कि सीपीयू जब भी कर्नल मोड के अंदर होगा तब जो भी कोड एग्जीक्यूट हो रहा है, ठीक है, वो डायरेक्टली एक्सेस कर सकता है किसी भी मेमोरी एड्रेस को और कोई भी हार्डवेयर रिसोर्सेज को, क्लियर। लेकिन उसी तरह अगर हम यूजर मोड की बात करें, देखिए यहाँ पर व्हेन सीपीयू इज इन यूजर मोड द प्रोग्राम्स डोंट हैव डायरेक्ट एक्सेस टू मेमोरी एंड हार्डवेयर रिसोर्सेज, क्लियर। यहाँ पर यूजर मोड के अंदर सीपीयू अगर चल रहा है तो फिर प्रोग्राम्स को किसी भी तरह का डायरेक्ट एक्सेस नहीं होता कोई भी मेमोरी रिसोर्स के साथ या फिर किसी भी हार्डवेयर रिसोर्सेज के साथ, मतलब कि वो एक्सेस ही नहीं कर सकता, क्लियर। अगर हम कर्नल मोड का दूसरे टॉपिक की बात करें तो यहाँ पर क्या कहा गया कि हैंस कर्नल मोड इज अ वेरी प्रिविलेज्ड एंड पावरफुल मोड। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास सभी प्रिविलेजेस अवेलेबल होते हैं और इसको पावरफुल मोड भी बोला जाता है क्योंकि यूजिंग कर्नल मोड आप सब कुछ सिस्टमेटिक एक्सेस कर सकते हो, पूरा कंट्रोल अपने हाथ में ले सकते हो। ठीक है, अगर आप कर्नल मोड को एक्सेस कर सकते हो तो, जबकि यहाँ पर यूजर मोड के अंदर क्या होता है, इफ एनी प्रोग्राम क्रैशेस ओनली दैट पर्टिकुलर प्रोग्राम इज हॉल्ट। ठीक है, यहाँ पर सपोज कई सारे प्रोग्राम चल रहे हैं, 3 से 4 प्रोग्राम्स एक साथ चल रहे हैं, तो सपोज कोई एक प्रोग्राम अगर चल रहा है, ठीक है, उसके अंदर कुछ खराबी आ जाती है किसी रीजन की वजह से, वो क्रैश हो जाता है, तो फिर वही पर्टिकुलर प्रोग्राम होल्ट होगा, ना कि आपका पूरा सिस्टम होल्ट होगा, क्लियर। जबकि यहाँ पर कर्नल मोड के अंदर इफ अ प्रोग्राम क्रैशेस इन कर्नल मोड द एंटायर सिस्टम विल बी होल्टेड। कोई ऐसा प्रोग्राम जो कि क्रैश हो गया है कर्नल मोड के अंदर, ठीक है, तो आपकी पूरी सिस्टम जो है वो होल्ट हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसा आई थिंक आपने कई बार नोटिस किया होगा। ठीक है, अगर आप थोड़े से ओल्ड वर्जन्स के सीपीयूज या फिर मदरबोर्ड के साथ काम कर रहे होगे तो, ठीक है, पूरी स्क्रीन पर आपको और डार्क नेवी ब्लू कलर आ जाता है बैकग्राउंड के अंदर और उसके ऊपर व्हाइट कलर के कुछ फॉन्ट्स आ जाता है। ठीक है, कुछ राइट डाउन करके आ जाता है आपको 0xff वाला, मे बी आपने नोटिस किया होगा, तो अगर आपने फेस किया होगा तो ऐसा आता था। ठीक है, तो वो कब आता था, वो हमारे हाथ में नहीं था। हाँ, नो डाउट, हम डायरेक्टली मॉनिटर के साथ यूजर इंटरफेस के साथ ही काम कर रहे होते हैं, लेकिन किसी रीजन की वजह से बैकग्राउंड में कुछ प्रोसेस होती है जो कि डायरेक्टली कर्नल की मदद से सीपीयू रिसोर्सेज को एक्सेस कर रही होती है, मेमोरी एड्रेस को एक्सेस कर रही होती है, तो वहाँ पर अगर कोई एक प्रोग्राम भी फेल हो गया तो हमारी पूरी सिस्टम को हॉल्ट कर देता है। ठीक है, तो वो एक एग्जाम्पल हुआ कर्नल मोड का, क्लियर। जबकि यहाँ पर जो प्रोग्राम क्रैश होता है सिर्फ वही होल्ट होता है, आपकी पूरी सिस्टम होल्ट नहीं होती यूजर मोड के अंदर। That means the system will be in a safe state even if a program in user mode crashes. ठीक है, अब क्योंकि यहाँ पर पूरी सिस्टम क्रैश नहीं होगी तो ऑब्वियसली आपकी सिस्टम क्या है, इन अ सेफ स्टेट है, राइट। हैंस मोस्ट प्रोग्राम्स इन OS रन इन यूजर मोड, राइट। तो इसी दोनों रीजन्स की वजह से सभी जो मेजर प्रोग्राम्स होते हैं, मेजोरिटी ऑफ प्रोग्राम्स सॉफ्टवेयर, ठीक है, जो कि यूजर इंटरफेस आपको प्रोवाइड करते हैं, वो किस मोड में रन होते हैं, वो यूजर मोड में रन होते हैं, ना कि कर्नल मोड के अंदर।
कर्नल मोड के अंदर कुछ ही रेयर केस के अंदर आपके सॉफ्टवेयर से अभी कुछ चुनिंदा प्रोग्राम्स रन होंगे, क्योंकि अगर सभी प्रोग्राम्स कर्नल मोड के अंदर रन होने लगे ठीक है, और उनमें से मे बी एक से दो प्रोग्राम क्रैश हो गए, तो फिर आपकी पूरी एंटायर सिस्टम ऑल्ट हो जाएगी। ठीक है, तो इस रीज़न की वजह से मेजोरिटी ऑफ प्रोग्राम्स सॉफ्टवेयर्स डायरेक्टली यूजर मोड के अंदर ही रन होता है। क्लियर, तो ये दोनों का हमने डिफरेंस देखा, यूजर मोड और कर्नल मोड। क्लियर, चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं सिस्टम कॉल्स की। यहाँ पर सिस्टम कॉल्स है क्या? देखिए, व्हेन अ प्रोग्राम इन यूजर मोड रिक्वायर एक्सेस टू रैम और हार्डवेयर रिसोर्स, इट मस्ट आस्क द कर्नल टू प्रोवाइड एक्सेस टू द रिसोर्स। दिस इज डन वाय समथिंग कॉल्ड सिस्टम कॉल। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखिए, अगर आपका प्रोग्राम जो है वो यूजर मोड के अंदर चल रहा है, ठीक है, अब क्योंकि वो रिजर्व मोड के अंदर चल रहा है तो डायरेक्टली हार्डवेयर या फिर मेमोरी को एक्सेस नहीं कर सकता, राइट, हमने अभी भी देखा। तो वो क्या करेगा, अगर उसको कुछ रैम का एक्सेस चाहिए होगा या फिर कुछ हार्डवेयर रिसोर्सेज चाहिए होगी, तो उसको पहले कर्नल के पास एक्सेस लेना होगा, ठीक है, कर्नल को आस्क करना होगा। अगर कर्नल ने उसको प्रोवाइड कर दिए, ठीक है, जो भी उसको रिक्वायर्ड एक्सेस चाहिए थे, रिसोर्सेज चाहिए थे, वो उसने प्रोवाइड कर दिए, तभी वो प्रोग्राम सक्सेसफुल एग्जीक्यूट हो सकेगा। ठीक है, तो ये पूरी चीज़ किसके थ्रू की जाती है, सिस्टम कॉल के थ्रू की जाती है। क्लियर, तो यहाँ पर देखिए आप अगेन लिखा गया है, व्हेन अ प्रोग्राम मेक्स अ सिस्टम कॉल द मोड इज स्विच्ड फ्रॉम यूजर मोड टू कर्नल मोड। जब भी आपका प्रोग्राम सिस्टम कॉल को क्रिएट करता है, कॉल करता है, तो करंट मोड जो आपका यूजर मोड होगा, ठीक है, वो स्विच हो जाता है कर्नल मोड के अंदर। तो इस सिनारियो को बोलते हैं हम कंटेक्स्ट स्विच। ध्यान रखिएगा, व्हाट इज कंटेक्स्ट स्विच, एक मोड में दूसरे मोड के अंदर ट्रांसफर होना, ठीक है, एक मोड से दूसरे मोड के अंदर ट्रांसफर होना। फिलहाल आप यूजर मोड के अंदर थे, आप कर्नल मोड के अंदर ट्रांसफर हो गए, तो इस सिनारियो को बोला जाता है कंटेक्स्ट स्विच। क्लियर, देन द कर्नल प्रोवाइड्स द रिसोर्स विच द प्रोग्राम रिक्वेस्टेड, आफ्टर दैट अनदर कंटेक्स्ट स्विच हैपन्स विच रिजल्ट इन चेंज ऑफ मोड फ्रॉम कर्नल मोड बैक टू यूजर मोड। बट ऑब्वियस ये चीज़ यहाँ पर बोली गई है, सबसे पहले अगर किसी भी प्रोग्राम को यूजर मोड के थ्रू रैम या फिर हार्डवेयर के रिसोर्सेज को एक्सेस करना था, तो वो सबसे पहले क्या करेगा, कर्नल को आस्क करेगा यूजिंग सिस्टम कॉल। ठीक है, तो अगर कर्नल वहाँ पर एग्री होगा तो कंटेक्स्ट स्विच किया जाएगा, यानी कि फिलहाल जो यूजर मोड है उसको कन्वर्ट किया जाएगा कर्नल मोड के अंदर, मतलब कंटेक्स्ट स्विच हो गया, राइट। देन आफ्टर कर्नल ने सभी रिसोर्सेज प्रोवाइड कर दिए जो भी उसने रिक्वेस्ट किया था वो, उसके बाद रिसोर्सेज प्रोवाइड हो जाने के बाद अब अगेन कंटेक्स्ट स्विच होगा, लेकिन इस बार क्या होगा, कर्नल मोड से बैक अगेन वो यूजर मोड के अंदर चला जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पर दो कंटेक्स्ट स्विच हुए, सबसे पहले यूजर मोड से कर्नल मोड के अंदर गया ताकि उसको सभी रिक्वायर्ड मेमोरी एक्सेस या फिर हार्डवेयर रिसोर्सेज मिल सके, राइट। वो मिल जाने के बाद अगेन कर्नल मोड से वो यूजर मोड के अंदर चला गया, तो यहाँ पर टोटली दो बार कंटेक्स्ट स्विच हुआ। क्लियर, तो इसी को हम बोलेंगे सिस्टम कॉल की प्रोसीजर। क्लियर, चलिए अब अगर हम आगे बात करें तो जनरली सिस्टम कॉल्स आर मेड बाय द यूजर लेवल प्रोग्राम्स इन द फॉलोइंग सिचुएशन। सिस्टम कॉल को जनरली कब कब, ठीक है, कौन सी सिचुएशन के अंदर कॉल किया जाता है, और ये किसके थ्रू कॉल होता है, यूजर लेवल प्रोग्राम्स के थ्रू ही कॉल होता है। तो देखिए कब कब कौन कौन सी सिचुएशन के अंदर, क्रिएटिंग ओपनिंग क्लोजिंग एंड डिलीटिंग फाइल्स इन द फाइल सिस्टम। ठीक है, जब आप किसी भी फाइल का ऑपरेशन कुछ इस तरह से करोगे तब इस तरह का सिस्टम कॉल हो सकता है। देन आफ्टर क्रिएटिंग एंड मैनेजिंग न्यू प्रोसेसेस, तब भी सिस्टम कॉल हो सकता है। क्रिएटिंग अ कनेक्शन इन द नेटवर्क, सेंडिंग एंड रिसीविंग पैकेट्स, तब भी एक चीज़ हो सकती है। रिक्वेस्टिंग एक्सेस टू अ हार्डवेयर डिवाइस लाइक अ माउस और अ प्रिंटर। ठीक है, आप किसी भी माउस या फिर एक्सटर्नल प्रिंटर को रिक्वेस्ट कर रहे हो, यानी कि वन टाइप ऑफ आपने क्या किया, हार्डवेयर रिसोर्सेज को एक्सेस करने की ट्राई की ना, रिक्वेस्ट किया, तो तब भी सिस्टम कॉल बन सकता है। इन अ टिपिकल यूनिक्स सिस्टम There are around 300 system calls. ठीक है, तो ये तो हमने कुछ चुनिंदा प्रोसेस ही देखी, चुनिंदा सिचुएशन ही देखी, जब जब सिचुएशन क्या करती है, सिस्टम कॉल करती है। लेकिन ऐसे तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ 300 सिस्टम कॉल्स अवेलेबल है इन यूनिक सिस्टम के अंदर, अगर हम बात करें तो। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हमने कुछ चार्ट रिप्रेजेंट किया हुआ है जो कि विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम और यूनिक्स रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, सपोज अगर हम प्रोसेस कंट्रोल सिनारियो की बात करें, तो जब भी विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम पर प्रोसेस कंट्रोल का सिनारियो होता है, तो बिहाइंड द सीन
ये तीन तरह के फंक्शंस या फिर तीन तरह की मेथड्स कॉल होती है जो कि हमें इवन पता भी नहीं होता, ठीक है, क्योंकि बैकग्राउंड प्रोसेसेस होती है। तो कौन सी प्रोसेस होती है? प्रोसेस रिगार्डिंग पहली होती है, क्रिएट प्रोसेस दूसरी, एग्जिट प्रोसेस और तीसरी वेट फॉर सिंगल ऑब्जेक्ट। उसी तरह से अगर हम यूनिक्स और लिनक्स की बात करें तो वहां पर कुछ इस तरह के तीन सिस्टम कॉल्स की जाते हैं, ठीक है। पहली मेथड का नाम है फोर्क, यानी कि क्रिएट करना, एग्जिट एंड देन आफ्टर वेट, ठीक है। उसी तरह से अगर हम फाइल मैनिपुलेशन की बात करें तो देखिए विंडोज के अंदर क्रिएट फाइल, रीड फाइल, राइट फाइल और क्लोज हैंडल, जबकि कंपैरेटिव इन लिनक्स या फिर यूनिक्स आपके पास है ओपन, रीड, राइट और क्लोज मेथड्स, राइट। तो हमारे सिलेबस के मुताबिक हमें विंडोज की मेथड्स याद नहीं रखनी, बट हमें रिमेंबर रखना है यूनिक्स रिलेटेड सभी सिस्टम कॉल्स की मेथड्स, ये सभी मेथड्स एंड ये सभी सिचुएशंस, ठीक है, आपको याद होनी चाहिए। विंडोज की अगर आप स्किप कर दोगे तो चलेगा, लेकिन एज कंपेयर टू आवर सिलेबस आपको यूनिक्स या फिर लिनक्स की ये सभी मेथड्स रिमेंबर रखनी है, ठीक है। ये फाइल मैनिपुलेशन की अगर हम बात करें तो लिनक्स या फिर यूनिक्स के अंदर बिहाइंड द सीन ये चारों मेथड्स कॉल होती है। अगर हम डिवाइस मैनिपुलेशन की बात करें तो ये तीन मेथड्स कॉल होती है, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर आप कई सारी मेथड्स देख सकते हो। तो ये टोटल विंडोज और यूनिक्स के सिस्टम कॉल्स हैं, ठीक है। टोटल मैंने अभी अभी बात की, यूनिक्स के अंदर अराउंड 300 सिस्टम कॉल्स होते हैं, ओके। चलिए देन अगर हम बात करें प्रोसेस मैनेजमेंट की, तो देखिए प्रोसेस मैनेजमेंट चीज़ क्या है और ये सभी जो टॉपिक्स हम पढ़ेंगे, ठीक है, वो सभी क्या है, ये वाले सिनेरियोस हैं कि इन इन सिनेरियोस के अंदर क्या क्या चीज़ हमें करनी होती है ऑपरेटिंग सिस्टम के जरिए, ठीक है। तो इन सभी सिनेरियोस को हम डिटेल के अंदर देखते हैं। देखिए सबसे पहला है उसमें प्रोसेस मैनेजमेंट, तो ये वन टाइप ऑफ सिस्टम कॉल है, ठीक है। प्रोसेस मैनेजमेंट इसके अंदर क्या होता है, शेड्यूलिंग, डेडलॉक डिटेक्शन, इज ट्रांसपेरेंट होता है, ठीक है। तो ये सभी चीज़ शेड्यूलिंग और डेडलॉक इन फ्यूचर सेशंस हम डिटेल के अंदर पढ़ने ही वाले हैं। तो वहाँ पर कौन कौन सी मेथड रन होती है, यहाँ पर आपको दिखाया गया है फोर्क, वी फोर्क, एग्जिट, एग्जीक्यूट, ठीक है, एग्जीक्यूट का शॉर्ट फॉर्म यहाँ पर लिखा हुआ है एग्जिक, देन आफ्टर वेट, सिग्नल्स, पाइप्स, स्ट्रीम्स एंड सॉकेट्स। उसी तरह से अगर मेमोरी मैनेजमेंट सिनेरियो की बात करें तो यहाँ पर फॉर द मोस्ट पार्ट ट्रांसपेरेंट टू द यूजर, ठीक है, यहाँ पर आपको यूज करना है मैलॉक फंक्शन एंड फ्री फंक्शन। उसी तरह से इनपुट आउटपुट डिवाइस मैनेजमेंट की बात करें तो देखिए डिवाइसेस आर ट्रीटेड एज फाइल्स, सो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस आर सपोर्टेड बाय द फाइल सिस्टम, ठीक है। अगर आप कोई भी इनपुट आउटपुट डिवाइस एक्सटर्नली आप अटैच करते हो अपने सीपीयू के अंदर तो वो फाइल सिस्टम के अकॉर्डिंग ही वर्क करता है, क्योंकि वो बिहाइंड द सीन है तो वन टाइप ऑफ फाइल सिस्टम ही ना, भले वो एक्सटर्नल फाइल सिस्टम हो, क्लियर। तो अगर हम फाइल सिस्टम की बात करें तो फाइल सिस्टम के अंदर अगेन क्रिएट, ओपन, क्लोज, रीड, राइट, कई सारे हमारे पास मेथड्स अवेलेबल है, कई सारे सिस्टम कॉल्स अवेलेबल है, क्लियर। तो ये कुछ चुनिंदा सिस्टम कॉल्स की हमने बात की, ओके। चलिए अब अगर हम नेक्स्ट बात करें सिस्टम प्रोग्राम्स की, तो सिस्टम प्रोग्राम्स क्या है, सिस्टम कॉल तो हमने समझा, बट वॉट इज सिस्टम प्रोग्राम्स। देखिए सिस्टम प्रोग्राम्स प्रोवाइड ऑपरेटिंग सिस्टम फंक्शनैलिटी थ्रू सेपरेट एप्लीकेशंस विच आर नॉट पार्ट ऑफ द कर्नल और कमांड इंटरप्रेटर्स, दे आर ऑल्सो नोन एज सिस्टम यूटिलिटीज और सिस्टम एप्लीकेशंस, ठीक है। यहाँ पर ध्यान रखिएगा सिस्टम प्रोग्राम्स क्या करते हैं, OS की फंक्शनैलिटी को प्रोवाइड करते हैं एज अ सेपरेट एप्लीकेशन, ना कि पार्ट ऑफ अ कर्नल और कमांड इंटरप्रेटर्स। तो उस टाइप की एप्लीकेशंस को, उस टाइप के प्रोग्राम्स को हम बोलेंगे सिस्टम यूटिलिटीज या फिर सिस्टम एप्लीकेशंस। फॉर एग्जांपल कैलकुलेटर्स एंड नोटपैड, ठीक है, अगर आप विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करोगे तो आप यहाँ पर कैलकुलेटर्स और नोटपैड का एग्जांपल ले सकते हो। ये हमें ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ ही मिलते हैं ना, ठीक है, ये कोई एक्सटर्नल सॉफ्टवेयर तो है नहीं कैलकुलेटर और नोटपैड। तो ये क्या हो गए, वन टाइप ऑफ बिल्ट इन ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रोग्राम्स हो गए, हमने एक्सटर्नली इंस्टॉल किया ऐसा प्रोग्राम नहीं। तो इस टाइप के बिल्ट इन एप्लीकेशंस या फिर बिल्ट इन प्रोग्राम्स को आप बोलोगे सिस्टम एप्लीकेशंस या फिर सिस्टम यूटिलिटीज या फिर सिस्टम प्रोग्राम्स, ठीक है, तीन नाम से आप उसको रेफर कर सकते हो, क्लियर। तो मोस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम्स टुडे ऑल्सो कम कंप्लीट विद अ सेट ऑफ एप्लीकेशन प्रोग्राम्स टू प्रोवाइड एडिशनल सर्विसेज सच एज कॉपिंग फाइल्स और चेकिंग द टाइम एंड डेट, ठीक है, ये सभी बेसिक लेवल की यूटिलिटीज होगी। तो आपको बताइए कि विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर हमें कई सारी सेट ऑफ सिस्टम यूटिलिटीज मिलती है, लाइक वर्डपैड भी हमें मिलता है, ठीक है, कैलकुलेटर मिलता है, नोटपैड मिलता है, कैमरा मिलता है, कई सारे बिल्ट इन
हमें सिस्टम एप्लीकेशंस मिलती है। तो इसी तरह से यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम या फिर लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पर भी हमें कई सारे सेट ऑफ सिस्टम यूटिलिटीज ऑलरेडी मिलती है। तो इसी तरह के एप्लीकेशंस को हम बोलेंगे सिस्टम प्रोग्राम्स। ठीक है, ध्यान रखेगा वो वन टाइप ऑफ ओएस की फंक्शनैलिटी ही है, लेकिन वो हमें डायरेक्ट एज ए सेपरेट एप्लीकेशन मिल रही है, ना कि अ पार्ट ऑफ कर्नल। क्लियर? तो इसी तरह के सॉफ्टवेयर्स को, एप्लीकेशंस को या फिर यूटिलिटीज को हम बोलेंगे सिस्टम प्रोग्राम्स, और कुछ भी नहीं है। क्लियर? चलिए अब अगर हम बात करें नेक्स्ट, तो यहाँ पर आपको देखिए कई सारे प्रोसेसेस दिखाए गए हैं। ठीक है, सिस्टम प्रोग्राम्स को मेनली डिवाइड किया है इस कैटेगरीज के अंदर। कौन कौन सी कैटेगरीज है सिस्टम प्रोग्राम्स की? पहली है फाइल मैनेजमेंट, दूसरी है स्टेटस इंफॉर्मेशन, तीसरी है फाइल मॉडिफिकेशन, चौथी है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सपोर्ट, पांचवी है प्रोग्राम लोडिंग एंड एग्जीक्यूशन, उसके बाद कम्युनिकेशन एंड देन बैकग्राउंड सर्विसेज। तो ये टोटल 7 टाइप्स की कैटेगरीज है। ठीक है, अगर आप सिस्टम प्रोग्राम्स की बात करोगे तो मैंने अभी भी आपको दो एग्जांपल बताए, कैलकुलेटर और नोटपैड। तो कैलकुलेटर और नोटपैड वन टाइप ऑफ क्या हो गए? सिस्टम एप्लीकेशन हो गए ना, लेकिन वो कौन सी कैटेगरी के अंदर आएंगे? यहाँ पर हमारे पास टोटल 7 टाइप्स ऑफ कैटेगरीज अवेलेबल है। तो चलिए हम सभी को डिटेल के अंदर देखते हैं, फिर आप अंदाजा लगा सकते हो कैलकुलेटर और नोटपैड जैसी यूटिलिटीज इन 7 टाइप में से कौन सी कैटेगरीज के अंदर बिलोंग करती है। राइट, चलिए तो सपोज सिस्टम प्रोग्राम की हम फर्स्ट कैटेगरी की बात करें, तो यहाँ पर हमारे पास अवेलेबल है फाइल मैनेजमेंट। यहाँ पर क्या होता है? प्रोग्राम्स टू क्रिएट, डिलीट, कॉपी, रीनेम, प्रिंट, लिस्ट एंड जनरली मैनिपुलेट फाइल्स एंड डायरेक्टरीज। ठीक है, तो फाइल मैनेजमेंट के अंदर किस तरह की ऑपरेशंस, किस तरह की फंक्शनलिटीज हमें मिलती है? आप किसी भी फाइल को या फिर डायरेक्टरी को क्रिएट कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, कॉपी, रीनेम एटसेट्रा। ठीक है, जो भी हम बेसिक डे टू डे रूटीन के अंदर करते हैं वो सभी फंक्शनलिटीज आपको यहाँ पर मिल जाती है। तो इस टाइप के कैटेगरी को बोला जाता है फाइल मैनेजमेंट। ठीक है, तो फाइल मैनेजमेंट के अंदर भी कई सारे सिस्टम प्रोग्राम्स हमें बाय डिफॉल्ट मिलते हैं। उसी तरह से अगर हम बात करें दूसरी कैटेगरी की, जो कि है स्टेटस इंफॉर्मेशन, तो यहाँ पर क्या होता है? यूटिलिटीज टू चेक ऑन द डेट, टाइम, नंबर ऑफ यूजर्स, प्रोसेस रनिंग, डेटा लॉगिंग एटसेट्रा। सिस्टम रजिस्ट्रीज आर यूज टू स्टोर एंड रिकॉल कॉन्फ़िगरेशन इंफॉर्मेशन फॉर पर्टिकुलर एप्लीकेशन। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्या कहा गया, हमें कई सारी यूटिलिटीज मिलती है चेक करने के लिए, डेट, टाइम, नंबर ऑफ यूजर्स, प्रोसेस कौन कौन सी रनिंग है, कौन सी बैकग्राउंड के अंदर है। ठीक है, डेटा का लॉगिंग, तो सभी टाइप की एप्लीकेशन वो गिनी जाती है स्टेटस इंफॉर्मेशन कैटेगरी के अंदर। सिस्टम रजिस्ट्रीज भी इवन स्टेटस इंफॉर्मेशन के अंदर भी गिनी जाती है। ठीक है, वो किस लिए यूज होती है? वो यूज होती है टू स्टोर एंड रिकॉल कॉन्फ़िगरेशन इंफॉर्मेशन फॉर अ पर्टिकुलर एप्लीकेशन। ठीक है, ये सिस्टम रजिस्ट्री जो है वो थोड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट हो गया। ठीक है, यहाँ पर आप किसी भी पर्टिकुलर एप्लीकेशन के रिगार्डिंग कॉन्फ़िगरेशन इंफॉर्मेशन को क्रिएट कर सकते हो, स्टोर कर सकते हो या फिर उसको मॉडिफाई भी कर सकते हो। क्लियर? तो चलिए, ये थी हमारी स्टेटस इंफॉर्मेशन वाली कैटेगरी। उसी तरह से अब हमारे पास नेक्स्ट है फाइल मॉडिफिकेशन। तो यहाँ पर नाम पर से हमें मालूम पड़ रहा है, ठीक है, कि फॉर एग्जांपल कोई टेक्स्ट एडिटर की बात कर रहे हैं या फिर कोई एनी अदर टूल्स विच कैन चेंज फाइल कंटेंट्स। यहाँ पर आप अब अंदाजा लगा सकते हो, ठीक है, जो हमने अभी अभी नोटपैड की बात करी, तो ये नोटपैड जो सिस्टम प्रोग्राम था वो किस कैटेगरी के अंदर आता है? फाइल मॉडिफिकेशन कैटेगरी के अंदर, क्योंकि वो वन टाइप ऑफ क्या है? टेक्स्ट एडिटर ही तो है। राइट, उसी तरह से अदर टूल की अगर हम बात करें, विच कैन चेंज फाइल कंटेंट्स, जो फाइल का कंटेंट हमें मॉडिफाई करने देता है। तो यहाँ पर हमारे पास एक और टूल है वर्डपैड, ठीक है, वो भी हमें विंडोज़ के अंदर बाय डिफॉल्ट मिलता है। अगर आप यूनिक्स की बात करें, लिनक्स की बात करें, और उसके अंदर मैं कोई ऑपरेटिंग सिस्टम चूज करता हूँ, सपोज उबंटू, तो उबंटू के अंदर आपके पास जी एडिट होता है। राइट, जी एडिट वन टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर है, जो कि एज कम्पेरेटिव टू नोटपैड आपको लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पर मिलता है। ठीक है, उसी तरह से अगर आप मैक ओएस की बात करें, जो कि लिनक्स बेस्ड है, ठीक है, यूनिक्स बेस्ड है, तो वहाँ पर आपको मिलता है टेक्स्ट एडिट सॉफ्टवेयर, जो कि एज कम्पेयर टू नोटपैड हमें मैक ओएस के अंदर मिलता है। राइट, तो ये सभी एप्लीकेशंस होगी जो कि फाइल मॉडिफिकेशन कैटेगरी के अंदर आती है। ठीक है, चलिए उसी तरह से हमारे पास है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सपोर्ट। तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल कंपाइलर्स, लिंकर्स, डीबगर्स, प्रोफाइलर्स, असेंबलर्स, लाइब्रेरी, आर्काइव मैनेजमेंट, इंटरप्रेटर्स फॉर कॉमन लैंग्वेज एंड सपोर्ट फॉर मैक। ठीक है, हम सभी को मालूम है कि बाय डिफॉल्ट अगर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, सपोज हम बात करें सी लैंग्वेज की, तो सी लैंग्वेज के अंदर हमें कोई कंपाइलर्स या फिर लिंकर्स एक्सटर्नल डाउनलोड या फिर इंस्टॉल नहीं करने पड़ते। अगर हम यूनिक्स सिस्टम की बात करें तो वहाँ पर बाय डिफॉल्ट आपको इंटरनली ही ये सभी चीज़ मिल जाती है। ठीक है, कंपाइलर से लेकर इंटरप्रेटर तक वो सभी चीज़ बाय डिफॉल्ट मिलती है, आपको कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ इंस्टॉल करने की जरूरत है ही नहीं लिनक्स के अंदर।
तो कुछ चुनिंदा ओएस ऐसे भी होते हैं जो कि स्पेसिफिकली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का आपको फुली सपोर्ट देती है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए आपको बाय डिफॉल्ट ये सभी चीज़ लिंकर से लेकर लाइब्रेरी आर्का मैनेजमेंट तक सब कुछ आपको प्रोवाइड करती है। क्लियर? तो आपको कोई भी एक्स्ट्रा एक्सटर्नल सॉफ्टवेयर, थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने की भी इवन ज़रूरत नहीं है। तो इस टाइप की एप्लीकेशन को हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सपोर्ट की कैटेगरी के अंदर बिलोंग करते हैं। क्लियर? चलिए उसी तरह से हमारे पास नेक्स्ट है प्रोग्राम लोडिंग एंड एग्जीक्यूशन। तो यहाँ पर ऑब्वियसली हमारे पास होंगे लोडर्स, डायनेमिक लोडर्स, ओवरले लोडर्स एक्सेट्रा, एज वेल एज इंटरेक्टिव डिबगर्स। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास अगर कोई प्रोग्राम है तो उसको पहले तो लोड किया जाता है रैम के अंदर यूजिंग सर्टेन टाइप ऑफ लोडर्स। रैम के अंदर लोड किए जाने के बाद रैम के अंदर ही उसको एग्जीक्यूट किया जाता है ताकि उसको मेमोरी के अंदर एक्सेस मिल सके, मेमोरी रिसोर्सेस मिल सके। राइट? तो यहाँ पर आपको लोडर से लेकर डीबगर्स तक सभी टाइप्स की फंक्शनलिटीज मिल जाएंगी। ओके, चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करें तो वो है कम्युनिकेशन की कैटेगरी। यहाँ पर क्या होता है? प्रोग्राम्स फॉर प्रोवाइडिंग कनेक्टिविटी बिटवीन प्रोसेसेस एंड यूजर्स इंक्लूडिंग मेल, वेब ब्राउजर्स, रिमोट लॉगिन्स, फाइल ट्रांसफर्स एंड रिमोट कमांड एग्जीक्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह के प्रोग्राम्स को बिलोंग किया जाता है। ठीक है, कैटेगराइज किया जाता है जो कि आपकी कोई चुनिंदा प्रोसेस और यूजर्स को इंटरकनेक्ट करते हो। सपोज अगर आपको मेल करना है, वेब ब्राउजर के सर्फिंग करनी है, फाइल ट्रांसफर करनी है, ठीक है, रिमोट लोकेशन पर किसी एक क्लाइंट पर यानी कि किसी एक यूजर डिवाइस पर बैठकर आपको मल्टीपल डिवाइसेस हैंडल करनी है, ठीक है, मतलब कि रिमोट कमांड एग्जीक्यूशन करना है, तो इन सभी टाइप्स के सिस्टम प्रोग्राम्स आप यहाँ पर कंटेन कर सकते हो कम्युनिकेशंस की कैटेगरी के अंदर। क्लियर? चलिए उसी के हिसाब से हमारे पास है अब नेक्स्ट बैकग्राउंड सर्विसेज। सिस्टम डेमन्स आर कॉमनली स्टार्टेड व्हेन द सिस्टम इज बूटेड। अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा सिस्टम डेमन्स, ठीक है, ये डेमन्स क्या है? कई लोग इसको प्रोनाउंस करते हैं डायमन्स, ठीक है, कई लोग बोलते हैं डीमन्स, तो आप यहाँ पर कोई भी चीज़ यहाँ से प्रोनाउंस कर सकते हो, ठीक है, जो भी आपको अच्छा लगे। लेकिन सिस्टम डेमन्स यानी कि क्या? बैकग्राउंड सर्विस ही है वन टाइप ऑफ जो कि आपके कंट्रोल में नहीं होती। वो जब भी आपका सिस्टम बूट होना स्टार्ट होता है तभी बैकग्राउंड के अंदर वो स्टार्ट हो जाती है, ठीक है, एंड रन फॉर एज लॉन्ग एज द सिस्टम इज रन, जबकि आपकी जब तक आपकी सिस्टम रन होती है, ठीक है, तो तब तक आपका सिस्टम डायमंड्स यानी कि बैकग्राउंड सर्विस रन होती है, हैंडलिंग नेसेसरी सर्विसेज। एग्जाम्पल्स इंक्लूड नेटवर्क डायमंड्स, प्रिंट सर्वर्स, प्रोसेस शेड्यूलर्स एंड सिस्टम एरर मॉनिटरिंग सर्विसेज। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हो गए जो कि आप सिस्टम डायमंड्स के अंदर कंटेन कर सकते हो, ठीक है। लेकिन ये वर्ड याद रखिएगा डायमंड्स, सिस्टम डेमन्स यानी कि बैकग्राउंड सर्विसेज जो कि सिस्टम के बूट होने से आपकी सिस्टम जब तक शट डाउन नहीं हो जाती, कम्प्लीटली बंद नहीं हो जाती, तब तक वो बिहाइंड द सीन चलती ही रहती है, कुछ ना कुछ चीज़ हैंडल करती रहती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमने देखा नेटवर्क डेमन्स होते हैं, प्रिंट सर्वर्स के डेमन्स होते हैं, प्रोसेस शेड्यूलर्स एंड सिस्टम एरर मॉनिटरिंग सर्विसेज भी होती है। क्लियर? तो ये सभी हमने सेवन टाइप्स ऑफ कैटेगरीज देखी जो कि हम सिस्टम प्रोग्राम्स को कैटेगराइज कर सकते हैं कुछ चुनिंदा कैटेगरीज के अंदर। क्लियर? तो इसको आप चाहो तो फिलहाल नोट डाउन कर सकते हो। अगेन सेवन टाइप्स हम रिपीट करते हैं। पहला है फाइल मैनेजमेंट, देन आफ्टर स्टेटस इंफॉर्मेशन, फाइल नोटिफिकेशन, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सपोर्ट, प्रोग्राम लोडिंग एंड एग्जीक्यूशन, कम्युनिकेशंस एंड बैकग्राउंड सर्विसेज। क्लियर? चलिए तो अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट टाइप। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है ऑपरेटिंग सिस्टम सर्विसेज स्ट्रक्चर। देखिए यहाँ पर हमने एक लिंक प्रोवाइड करके रखी है, इस लिंक के जरिए आप इस टॉपिक को फर्दर मोर डिटेल के अंदर देख सकते हो, ठीक है। हमारे पास जो भी यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम के सर्विसेज का स्ट्रक्चर अवेलेबल है, ठीक है, वो मैंने आपको यहाँ पर ऑलरेडी बताया हुआ, देखिए, ठीक है। लेकिन ये सर्वर के बारे में, इस स्ट्रक्चर के बारे में आपको डिटेल के अंदर नॉलेज चाहिए, थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप इस वेबसाइट को रिफ़र कर सकते हो, ठीक है। चल मैं आपको यहाँ पर इसको रिफ़र करके बता देता हूँ। यहाँ पर देखिए आपको डायरेक्टली इस तरह का पेज मिल जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम स्ट्रक्चर का, ठीक है, मैं यहाँ पर थोड़ा सा जूम इन कर देता हूँ। चलिए सबसे पहले तो अगर हम इस सिस्टम के स्ट्रक्चर की बात करें, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या है, अ व्यू ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम सर्विसेज। ऑपरेटिंग सिस्टम की जितनी भी सर्विसेज हैं उन सबको बिहाइंड द सीन क्या किया गया है, कैटेगराइज किया गया है, और कुछ भी नहीं। ये हमारा वही टाइप का कंसेप्चुअल व्यू है ऑपरेटिंग सिस्टम का जो कि हमने ऑलरेडी प्रीवियस सेशन के अंदर देखा था, ठीक है, लेकिन वो बहुत ही हाई लेवल था, ले थोड़ा सा लो लेवल है, सिस्टमैटिक लेवल है, तो थोड़ा सा आपको डिटेल के अंदर देखने को मिलेगा। एज यूजुअल सबसे बॉटम लेवल क्या होगा, हमारा हार्डवेयर लेवल होगा, ठीक है, उसके ऊपर वाला लेवल ये पूरा क्या है,
ये पूरा का पूरा है सॉफ्टवेयर लेवल, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर के अंदर सबसे पहले डायरेक्टली हार्डवेयर के साथ कनेक्टेड होता है ऑपरेटिंग सिस्टम लेयर। वो सिस्टम कॉल के जरिए आपको यानी कि यूज़र को या फिर कोई अदर सिस्टम प्रोग्राम्स को यूज़र इंटरफेस के जरिए सभी प्रोग्राम्स प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले नीचे है हार्डवेयर, उसके बाद है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर मेनली सर्विसेज जो भी हो उसको यहाँ पर कैटेगराइज किया गया है। देखिए प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस, फाइल सिस्टम्स, कम्युनिकेशन, रिसोर्स एलोकेशन, अकाउंटिंग, एरर डिटेक्शन और प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी, तो सभी ऑपरेटिंग सिस्टम की कुछ सर्विसेज हैं, ठीक है। तो यूजिंग सिस्टम कॉल्स यहाँ पर यूजर मोड के अंदर चल रहे सभी प्रोग्राम्स इस सर्विसेज के जरिए हार्डवेयर तक पहुँच सकते हैं और हार्डवेयर के अंदर मौजूद कुछ रिसोर्सेज को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है, जैसा कि हमने अभी भी पहले बात की थी वैसे, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा डिटेल स्ट्रक्चर आपको यहाँ पर बताया गया है, आप चाहो तो इसको नोट डाउन भी कर सकते हो, ठीक है। अब व्यू ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम सर्विसेज, क्लियर। और इन सभी का डिटेल के अंदर यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है, नोट डाउन किया हुआ है ऑलरेडी इन लोगों ने। किस तरह से टर्मिनल के अंदर आप सभी चीज़ देख सकते हो, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस क्या होता है, कमांड लाइन इंटरफेस क्या होता है, सबका इन लोगों ने यहाँ पर स्क्रीनशॉट देकर एक बहुत ही बढ़िया सी गाइड बनाई है, क्लियर। देखिए आप यहाँ पर सी लैंग्वेज के जरिए मैं कुछ बताने की भी ट्राई की है कि इस तरह से सिस्टम कॉल्स को कॉल किया जाता है, ठीक है। टाइप्स ऑफ सिस्टम कॉल्स कितने कितने हैं, प्रोसेस कंट्रोल, फाइल मैनेजमेंट, जो भी हमने अभी भी देखा, ठीक है, वो सभी है यहाँ पर। देन आफ्टर विंडोज़ के अंदर और यूनिक्स के अंदर कौन कौन से टाइप्स के यहाँ पर मैथड्स कॉल किए जाते हैं वो भी हमने देखा था। फिर एग्जाम्पल भी आपको दिया गया है सी लैंग्वेज की एक स्टैंडर्ड लाइब्रेरी का, ठीक है। यहाँ पर देखिए आपको एक प्रोग्राम दिया गया है बेसिक लेवल का, कि अगर आप यहाँ पर इंटीजर मेन फंक्शन के अंदर आप जब भी प्रिंट एफ लिखते हो तो आप प्रिंट एफ की मदद से बिहाइंड द सीन क्या करवाते हो, स्टैंडर्ड सी लाइब्रेरी की मदद से आप राइट करवा सकते हो, ठीक है। तो बिहाइंड द सीन सिस्टम कॉल कौन सा कॉल होता है, राइट। जब भी आप प्रिंट एफ लिखते हो तो बिहाइंड द सीन वो कॉल करता है राइट फंक्शन को, ठीक है, यूजिंग स्टैंडर्ड सी लैंग्वेज की लाइब्रेरी, क्लियर। तो यहाँ पर देखिए यूजर मोड भी है और कर्नल मोड भी है। यूजर मोड यानी कि ये हमारा मोड जो हम सी लैंग्वेज के अंदर अब तक कोडिंग करते आए थे वो, लेकिन सी लैंग्वेज के अंदर हम प्रिंट एफ लिखते हैं तो जब भी आप प्रिंट एफ लिखते हो तो बिहाइंड द सीन होता क्या है, वो डायरेक्टली पहले कर्नल मोड के जरिए राइट को कॉल कर देता है सिस्टम कॉल को और फिर वो आउटपुट आपको रिटर्न करता है यहाँ से, ठीक है। तो सब कुछ एग्जीक्यूशन वाला काम जो कि रैम के अंदर होता है वो होता है कर्नल मोड के थ्रू भी, ठीक है, यूजिंग सच सिस्टम कॉल्स, क्लियर। तो क्लियर आपको यहाँ पर एग्जाम्पल भी देखने को मिल रहा है। तो इस तरह के और भी कई सारे यहाँ पर प्रोसेसेस है, ठीक है, फाइल मैनेजमेंट, डिवाइस मैनेजमेंट, बहुत ही डिटेल के अंदर आपको यहाँ पर बताया गया इस तरह से आपका पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम स्ट्रक्चराइज किया हुआ होता है और ईच एंड एवरी पार्ट को आपको कंप्लीट डिटेल के अंदर इस गाइड के अंदर बताया गया, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा ये फर्दर एडवांस गाइड है तो ये ज़रूरी नहीं है कि इस पूरे गाइड को आप फॉलो कीजिए, लेकिन अगेन इसके अंदर अगर आपको इंटरेस्ट है तो फिर आप यहाँ पर आ सकते हो, ठीक है, इस गाइड को फॉलो थ्रू कर सकते हो, ओके। चलिए फिलहाल अगेन हम हमारे प्रेजेंटेशन पर आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर हमने अभी भी देखा इस तरह से ऑपरेटिंग सिस्टम के स्ट्रक्चर को, ठीक है। तो इसको भी आप नोट डाउन कर सकते हो, ये थोड़ा सा डिटेल के अंदर हमने ऑपरेटिंग सर्विसेज के स्ट्रक्चर को देखा। मेन जो यहाँ पर हाईलाइट होती है वो है हमारी ऑपरेटिंग सिस्टम की सर्विसेज, ठीक है। सभी सर्विसेज आपको यहाँ पर रखनी है, यहाँ पर रिप्रेजेंट करनी है आपके डायग्राम के अंदर, क्लियर। चलिए अब अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट तो अब हमारे पास है ऑपरेटिंग सिस्टम के जनरेशन। तो यहाँ पर आप देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम के जनरेशन आपको यहाँ पर फर्स्ट जनरेशन से लेकर फोर्थ जनरेशन तक मिल जाएगा, ठीक है। कई गाइड्स फर्स्ट जनरेशन से लेकर फिफ्थ जनरेशन तक भी बोलती है, ठीक है, लेकिन डजंट मैटर, आप फिफ्थ जनरेशन तक भी जा सकते हो और इस तरह से फोर्थ जनरेशन तक भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो देखिए यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैव इवॉल्व्ड ओवर द ईयर्स, सो देयर इवोल्यूशन थ्रू द ईयर्स कैन बी मैप्ड यूजिंग जनरेशंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। तो यहाँ पर जितने जैसे आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम के जनरेशन आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है, ओवर द ईयर्स कुछ ना कुछ उसके अंदर इवोल्यूशन आ जाएगा, कुछ ना कुछ उसके अंदर बेहतर होता जाता है, ठीक है। तो जनरली अगर हम बात करें, मेनली हमारे पास फोर जनरेशन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स अवेलेबल है, यहाँ पर आप कैटेगरीज देख सकते हो। फर्स्ट जनरेशन की अगर हम बात करें, ठीक है, तो वो गिना जाता था 1945 से 1955 तक। तो वहाँ पर उस टाइप की ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर कंप्यूटर की अगर हम बात करें तो क्या क्या यूज़ किया जाता था, मेनली उसके अंदर यूज़ किया जाता था वैक्यूम ट्यूब्स एंड प्लग बोर्ड्स, ठीक है। मे बी आपको याद होगा ENIAC जो कि वर्ल्ड का फर्स्ट कंप्यूटर है, ठीक है, वो बहुत ही बड़ी साइज एक्वायर करता था, क्यों, क्योंकि उसके अंदर बिहाइंड द सीन वैक्यूम ट्यूब्स ही उसको अलाउ करते थे उतनी साइज को कंज्यूम करने के लिए,
और साथ ही साथ प्लग बोर्ड्स तो बहुत ही हैवी साइज वहाँ पर रोक लेते थे। ठीक है, इसकी मदद से पूरा कंप्यूटर जो था 2 से 3 बड़े रूम के मुकाबले होता था। ठीक है, उतनी साइज होती थी उसकी। उसी हिसाब से अगर हम सेकेंड जनरेशन की बात करें तो सेकेंड जनरेशन जो है वो 1955 से लेकर 1965 तक का गिना जाता है, यानी कि पूरा एक डेकेड। ठीक है, इस पूरे डेकेड को हम बोलते हैं द सेकेंड जनरेशन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, जहाँ पर एज कम्पेयर टू वैक्यूम ट्यूब्स और प्लग बोर्ड्स यूज़ किया जाता था ट्रांजिस्टर्स एंड बैच सिस्टम्स। तो मतलब कि थोड़ी सी इसकी जो साइज थी, ठीक है, एज कम्पेयर टू फर्स्ट जनरेशन, थोड़ी सी साइज यहाँ पर आप उसको कम करने को मिली। ठीक है, फिजिकल साइज की अगर हम बात करें तो इसी तरह से अगर हम नेक्स्ट थर्ड जनरेशन की बात करें तो थर्ड जनरेशन जो है वो 1965 से 1980 तक को गिना जाता है, जिसके अंदर आईसी का यूज़ किया गया, यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट्स एंड मल्टी प्रोग्रामिंग का यूज़ किया गया। ठीक है, तो इन दोनों के मुकाबले अगर हम फोर्थ जनरेशन की बात करें तो 1980 से लेकर करंट साल तक इन सभी को हम बोलते हैं पर्सनल कंप्यूटर्स। ठीक है, तो पर्सनल कंप्यूटर्स फिलहाल मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, कई सारे मार्केट्स के अंदर अवेलेबल होते हैं जिसके अंदर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, मदरबोर्ड्स और प्रोसेसर्स का यूज़ किया जाता है। क्लियर, तो इस तरह से ओएस के जनरेशन को डिवाइड किया गया है यहाँ पर टोटल फोर जनरेशन के अंदर। और अगेन यहाँ पर भी मैंने यहाँ पर एक ट्यूटोरियल्स पॉइंट की लिंक दी करके है। ठीक है, आप उसको भी अगेन यहाँ पर डिटेल के अंदर चारों टाइप्स को देख सकते हो, रिफर कर सकते हो। क्लियर, तो इस तरह से हमने पूरा देखा आज के सेशन के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ चुनिंदा पार्ट्स। ठीक है, चलिए फटाफट से हम पूरे इस रिप्रेजेंटेशन को एक बार ऑल क्लियर कर लेते हैं। चलिए, आज के हमारे टॉपिक्स क्या क्या थे? ओएस के मोड्स, सिस्टम कॉल्स, सिस्टम प्रोग्राम्स, ओएस सर्विस स्ट्रक्चर और ओएस जनरेशन। सबसे पहले ओएस मोड की अगर हम बात करें तो टोटल हमारे पास 2 मोड थे, राइट, यूजर मोड एंड कर्नल मोड। यूजर मोड, उसके अंदर कुछ ऐसे प्रोग्राम्स होते थे जो कि डायरेक्टली हार्डवेयर रिसोर्सेज को या फिर मेमोरी को एक्सेस नहीं कर सकते थे, और उसके अंदर कोई एक प्रोग्राम क्रैश हो जाता तो चलता था, कोई भी हमारे पूरे सिस्टम जो है वो होल्ड नहीं हो जाती थी। ठीक है, यानी कि आप बोल सकते थे इन यूजर मोड आपकी सिस्टम सेफ मोड के अंदर है। ठीक है, और हैंस मोस्ट प्रोग्राम्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर ही रन किया जाता है यूजर मोड के थ्रू। ठीक है, जबकि कर्नल मोड के अंदर क्या होता था, आपका कर्नल मोड के अंदर कोई भी सॉफ्टवेयर या फिर कोई भी प्रोसेस डायरेक्टली मेमोरी एड्रेस या फिर हार्डवेयर रिसोर्सेज को एक्सेस कर सकती थी। ठीक है, इसलिए कर्नल मोड को वेरी प्रिविलेज्ड और वेरी पावरफुल मोड गिना जाता है। लेकिन यहाँ पर एक डिसएडवांटेज आपको ये मिलता है कि अगर कर्नल मोड के अंदर कोई एक प्रोग्राम क्रैश हो गया तो आपकी पूरी एंटायर सिस्टम होल्ड हो जाती है। ठीक है, तो ये सिक्योर नहीं है, जबकि यूजर मोड आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। ठीक है, इस हिसाब से तो ये हमने दोनों का डिफरेंस देखा था। देन आफ्टर अगर हमने सिस्टम कॉल की बात की तो सिस्टम कॉल यानी कि क्या, आपको यूजर मोड के अंदर किसी प्रोग्राम को अगर रैम को एक्सेस करना है, हार्डवेयर रिसोर्सेज चाहिए, तो उसको क्या करना होगा, कर्नल को आस्क करना होगा कि उसको वो रिसोर्सेज, वो रिक्वायर्ड रिसोर्सेज प्रोवाइड किए जाए। ठीक है, तो वो होता था सिस्टम कॉल के जरिए। तो पहले तो क्या होता था, यूजर मोड को कर्नल मोड के अंदर स्विच किया जाता था, तो इस स्विचिंग की प्रोसेस को हम बोलते थे कॉन्टेक्स्ट स्विच। अब वो कर्नल मोड के अंदर आ गया, ठीक है, उसको अब जो भी रिक्वायर्ड रिसोर्सेज थे वो मिल चुके हैं, तो वो अगेन कर्नल मोड में यूजर मोड से ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, कर्नल मोड के अंदर जो भी वो फिलहाल था वो अब ट्रांसफर हो गया यूजर मोड के अंदर, तो यहाँ पर अगेन कॉन्टेक्स्ट स्विच हुआ, यानी कि सिस्टम कॉल के जरिए वो 2 बार कॉन्टेक्स्ट स्विच करेगा, मतलब कि अपने मोड को ट्रांसफर करेगा। पहले यूजर मोड से कर्नल मोड के अंदर गया, देन आफ्टर रिसोर्सेस मिल जाने के बाद वो कर्नल मोड से रिसोर्स मोड के अंदर गया, राइट। देन आफ्टर हमने सिस्टम कॉल की बात की तो यूनिक्स के अंदर अराउंड 300 सिस्टम कॉल्स अवेलेबल है। यहाँ पर हमने कुछ चुनिंदा प्रोसेसेस की बात की, ठीक है, यहाँ पर आपको प्रोसेस कंट्रोल के लिए फोर्क, एग्जिट और वेट जैसी सिस्टम कॉल्स या फिर मेथड्स बिहाइंड द सीन कर्नल मोड के अंदर मिल जाती है। ठीक है, देन आफ्टर हमने प्रोसेस मैनेजमेंट से लेकर फाइल सिस्टम तक सभी के प्रोसेसेस को डिटेल के अंदर एग्जीक्यूट किया, ठीक है, एनालिसिस किया उसका। उसके बाद सिस्टम प्रोग्राम्स, तो सिस्टम प्रोग्राम्स क्या है, वन टाइप ऑफ ओएस की फंक्शनैलिटी को एज अ सेपरेट एप्लीकेशन हमें प्रोवाइड करता है, जो कि डायरेक्टली कर्नल का कोई पार्ट नहीं होता। फॉर एग्जांपल हमने बात की थी कैलकुलेटर और नोटपैड की, राइट, तो इस तरह से हमारे पास सिस्टम प्रोग्राम्स की भी इवन 7 टाइप्स ऑफ कैटेगरीज अवेलेबल थी, फाइल मैनेजमेंट, स्टेटस इन्फॉर्मेशन, फाइल मॉडिफिकेशन, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सपोर्ट, प्रोग्राम लोडिंग एंड एग्जीक्यूशन, कम्युनिकेशंस एंड बैकग्राउंड सर्विसेज। क्लियर, तो सभी किसी ना किसी पर्पस के लिए अपनी कैटेगरीज के अंदर कोई चुनिंदा सिस्टम प्रोग्राम्स को कंटेन करते हैं। क्लियर, जैसे कि हमने अभी बात की नोटपैड की, तो नोटपैड किस कैटेगरी के अंदर आता है, फाइल मॉडिफिकेशन कैटेगरी के अंदर। ओके, देन आफ्टर हमने बात की ओएस सर्विस स्ट्रक्चर के बारे में,
तो हमने कुछ सर्विस स्ट्रक्चर पढ़ा, और अगेन इस पूरे सर्विस स्ट्रक्चर को आप डिटेल के अंदर थियोरेटिकली प्रोवाइड कर सकते हो, ठीक है, इस लिंक के थ्रू। यहाँ पर आप पूरा ओएस का सर्विस स्ट्रक्चर रिफर कर सकते हो, ठीक है, फुल डिटेल के अंदर। चलिए, देन आफ्टर हमने बात की ओएस के जनरेशन की, तो अगेन हमारे पास फिलहाल 4 या फिर 5 टाइप के जनरेशन अवेलेबल है, ठीक है। यहाँ पर सभी की आपको ड्यूरेशन भी दिखाई गई, और ईच एंड एवरी जनरेशन के अंदर मेनली कौन कौन सी चीज़ का इंक्लूड किया जाता था वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है, क्लियर। तो इतना हमने आज के सेशन के अंदर देखा, ठीक है। तो पूरा ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम वाला हमारा टॉपिक है वो कम्प्लीटली थियोरेटिकली है, लेकिन मेक श्योर ये सभी आपको याद होने चाहिए, रिमेंबर होने चाहिए, ठीक है। ये बहुत ही क्रिटिकल पार्ट है, क्योंकि आगे जाकर कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम के ऐसे टॉपिक्स आएंगे जहाँ पर आपको अब तक हमने जो भी पढ़ा उनकी ज़रूरत होगी, उसका रेफरेंस की ज़रूरत होगी, ठीक है। तो इसको भूलना नहीं है, रिमेंबर रखना है, क्लियर। चलिए, तो अब आपको यहाँ पर असाइनमेंट क्वेश्चंस दिख रहे होंगे, ठीक है, इन तीनों का आपको आंसर देना है, और अब हम मिलते हैं नेक्स्ट हमारे लेक्चर के अंदर, ठीक है, नए टॉपिक के साथ, ओके।